डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स फोटोग्राफी में, जैसे डेली मिरर है, सन है, द टाइम्स है, द गार्जियन है, डेली मेल है, ठीक है। तो हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक कि आपका हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और रीजनल बेस्ड न्यूज़पेपर, लैंग्वेज प्रेस क्या होता है, लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स क्या होता है। तो हम तीन कैटेगरी के न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर और रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ठीक है। अबाउट न्यूज पेपर्स, द न्यू अबाउट न्यूज पेपर्स यानी द एंसेस्टर्स ऑफ न्यूज पेपर्स वे आर कॉल्ड कुरांटोस, ठीक है। हम जो न्यूज पेपर्स के जो एंसेस्टर जो एंसेस्टर्स होते थे उनको क्या कहते थे, उनको कुरांटोस कहते थे, ठीक है। ये हमेशा देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कि न्यूज पेपर के एंसेस्टर्स को हम क्या कहते थे। आपके पास ऑप्शन होंगे तो उसमें से आपको कुरांटोस याद रखना है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि न्यूज पेपर्स के जो भी जो एंसेस्टर्स का मतलब जो पहले के लोग, ठीक है, जो पूर्वज जो हमारे होते थे वो न्यूज़पेपर्स के एंसेस्टर को हम क्या बोलते थे, कोरेंटोस बोलते थे। फिर विच वेयर न्यूज सीट्स, जो न्यूज सीट्स होता था, ओके, वो न्यूज सीट्स होता था और दैट वेयर पब्लिश्ड एज ए लॉन्ग एज बैक 1620 इन इंग्लैंड, ओके। सो 1620 में इंग्लैंड के अंदर जो है ये न्यूज सीट्स पब्लिश होती थी, जिसको हम कोरेंटोस बोलते थे। वो एंसेस्टर्स होते, सारे एंसेस्टर जो है वो करेंटोस उनके कहा जाता था, जो कि जनरली न्यूज सीट्स होता था और उस पे पब्लिश होता था 1620 के अंदर इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। और जनरली उस टाइम की जो पीरियोडिसिटी थी, अगर पीरियोडिसिटी की बात करें यानी जो कितने टाइम पे निकलती थी, वीकली, क्वार्टरली, डेली, मंथली, क्या जैसे आज के न्यूज पेपर्स जो है जनरली क्या निकलता है, वो डेली निकलता है या तो वीकली निकलती है, ठीक है। एक सर्टेन जो है पीरियोडिसिटी रहती है, एक सर्टेन पीरियोडिसिटी होती है, लेकिन पहले के जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो दैट इज दैट वेयर इरेगुलर पीरियोडिसिटी, उनका कोई पीरियोडिसिटी रेगुलर नहीं था। वो जब हुआ वो ऐसे निकल, जब उनके पास कंटेंट अवेलेबल हुआ उस टाइम वो निकाल निकाल देते थे वो न्यूज़पेपर, ठीक है। तो उस टाइम जो है इस तरीके की सीन थी। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हम न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर हाउस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जनरली पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको नोट डाउन करना होगा, जैसे एग्जाम्पल की दैनिक भास्कर की पीरियोडिसिटी क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की पीरियोडिसिटी क्या है, मैगजीन की पढ़ेंगे द वीक की क्या है, दैट इंडिया टुडे की क्या है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, ठीक है। क्या वो साप्ताहिक निकलती है, क्या वो मंथली निकलती है, क्या वो वीकली निकलती है। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट पीरियोडिसिटी के न्यूज़पेपर्स को हम पढ़ेंगे। तो पहले के जो न्यूज़पेपर्स थे उनमें इरेगुलर पीरियोडिसिटी थी, किसी तरीके का रेगुलर पीरियोडिसिटी नहीं होता था, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो सो इस पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट बात करने वाली है, ठीक है। एक कोरेंटोस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका पीरियोडिसिटी याद रखना है कि उस टाइम कोई पीरियोडिसिटी नहीं था, दैट वेर इरेगुलर पीरियोडिसिटी। और इंग्लैंड और हॉलैंड के अंदर 1620s में जो है न्यूज़पेपर जनरली पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, लेटर अराउंड 1640s ज्यूर्नल्स अपीयर्ड इन इंग्लैंड दैट वेर डेलीज पब्लिशिंग रिपोर्ट्स ऑन डोमेस्टिक इवेंट्स। हमने ज्यूर्नल्स के ऊपर भी चर्चा किया था, बताया था आपके फर्स्ट क्लास में कि ज्यूर्नल्स क्या होता है। ज्यूर्नल्स होता है डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। एक सर्टेन पीरियोडिसिटी होती है, ठीक है, एक सर्टेन पीरियोडिसिटी होती है, उसको कहते हैं ड्यूरनल्स। तो ड्यूरनल्स सबसे पहले देखा गया था इंग्लैंड के अंदर ही, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले देखा गया था वो भी 1640s में, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि जब 1620 में न्यूज़पेपर निकल रहा था उस टाइम इरेगुलर पीरियोडिसिटी था, जब 20 साल 20 साल के बाद में ये देखा गया कि जो डेली रिपोर्ट्स यानी सर्टेन पीरियोडिसिटी बनती गई, इरेगुलर से रेगुलर होती गई, उस समय अब डेली पब्लिशिंग रिपोर्ट्स होने लगे। और किस चीज के ऊपर जनरली ये था, ये डोमेस्टिक इवेंट्स के ऊपर ये जनरली रिपोर्ट पब्लिश होती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम से मूव करते हैं अगले स्लाइड्स में, ठीक है। साइजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर की साइजेस के बारे में बात करते हैं। हमने अभी बात किया क्या, हमने अभी बात किया पीरियोडिसिटी के बारे में, ठीक है। अब हम बात करें साइजेस ऑफ द न्यूज़पेपर्स के बारे में, ठीक है। साइजेस ऑफ द न्यूज़पेपर क्या है, एट प्रेजेंट वी हैव टू फॉर्मेट्स इन विच न्यूज पेपर्स अपीयर, ठीक है। अभी के वर्तमान में हमने कितने फॉर्मेट्स है, टोटल दो फॉर्मेट है, दो से ज्यादा भी फॉर्मेट आपको कहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको दो से ज्यादा फॉर्मेट भी। सो वी हैव टू फॉर्मेट्स जनरली न्यूज पेपर्स में, दो फॉर्मेट होते हैं, एक ब्रॉडशीट, दूसरा टेबलॉइड, ठीक है। ब्रॉडशीट एग्जाम्पल में अगर बात करें, ब्रॉडशीट न्यूज पेपर्स कौन कौन से होते हैं, इंडियन न्यूज पेपर और द टाइम्स ऑफ इंडिया,
और टेलीग्राफ, जितने आप न्यूज़पेपर्स आप देखते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, दे ऑल आर ब्रॉडशीट साइज ऑफ द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट फॉर्मेट आपका होता है टेबलॉइड, ठीक है। टेबलॉइड आपका क्या है, टेबलॉइड का एग्जाम्पल है मेल, ठीक है, ये मेल टूडे और द मिंट, ये दो एग्जाम्पल है टेबलॉइड के। तो आपसे ये भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है आपसे क्या पूछा जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर है, टेबलॉइड न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये इस तरीके का भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सेकेंड जो है टेबलॉइड, जो है टेबलॉइड भी एक फॉर्मेट होता है। अगर आपसे पूछा गया कि जनरली आप दो फॉर्मेट के बारे में आप लिखिए, दो न्यूज़पेपर के फॉर्मेट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर फॉर्मेट होता है, दूसरा होता है टेबलॉइड न्यूज़पेपर फॉर्मेट, ठीक है। और दोनों के एग्जाम्पल आपके पास सामने दिए हुए हैं स्लाइड्स के अंदर, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। जितने न्यूज़पेपर्स होते हैं, चाहे आप हिंदी का ले लो, जो आपके घर में आता है वो जनरली ब्रॉडशीट साइज ऑफ द न्यूज़पेपर होता है, टेबलॉइड का होता है मेल टुडे और द मिंट, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल ब्रॉडशीट कम्स विद द फ्रेश न्यूज, जो ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर होता है वो जनरली ताजा ताजा खबरें जो है आपके उस ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर में होता है, फ्रेश न्यूज। और टेबलॉइड के अंदर, टेबलॉइड कैरी फीचर्स एंड डिटेल्ड स्टोरीज, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। टेबलॉइड जो फॉर्मेट साइज ऑफ न्यूज़पेपर होता है वो जनरली क्या आपको बताती है, फीचर्स एंड डिटेल्ड स्टोरीज के बारे में, ठीक है। मतलब किसी चीज की डेप्थ स्टोरी होती है, किसी डिटेल्ड स्टोरी है, लाइक मैगजीन जिस तरीके से कवर करता है स्टोरी को, उसी तरीके से टेबलॉइड के अंदर ये जो है आपको सारी स्टोरीज, डिफरेंट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आपको देखने, जनरली आप देखोगे जब आपके दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सब सारे न्यूज़पेपर्स आपके घर में आता है, तो एक नॉर्मली ओवरव्यू ऑफ द न्यूज होता है, न्यूज की ओवरव्यू, क्या हुआ, क्या घटना था, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें। लेकिन जब टेबलॉइड, आप टेबलॉइड में वही खबर पूरी डिटेल्ड में होगी, पूरी इन्वेस्टिगेटिव टाइप में होगी, डिटेल स्टोरीज होगी, किसी को आपको इन डेप्थ से जानना होगा, तो टेबलॉइड न्यूज़पेपर्स को आप एक बार फॉलो जरूर करना, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि ये स्टोरीज कितनी डिफरेंट होती है ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर से, ठीक है। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ द न्यूज़पेपर, द एडवांटेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज दैट दे सेल चीप, ठीक है, दे सेल व्हाट, चीप, ये नोट डाउन करने वाली है। द एडवांटेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज दैट दे सेल चीप, दे कैन रीच आउट टू द लिटरेट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अखबार जनरली सस्ते दाम में क्यों बिकती है, ठीक है, जैसे 2 रुपए 4 रुपए में आप जनरली, आप पेपर का अखबार जो है उतनी 16 पेजेस की अखबार आप जनरली 4 रुपए में क्यों खरीद पाते हो, इसलिए खरीद पाते हो क्योंकि उसके अंदर एडवर्टीजमेंट होती है, और ये जो अखबार निकालते हैं उनको पता होता है कि ये अखबार जो है जनरली लिटरेट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ही पढ़ेगा, ठीक है। जो साक्षर है, जिनको पढ़ना आता है, वही जो है वो सिर्फ अखबार पढ़ पाएंगे, तो सो इसीलिए उनके पास तक हमारी न्यूज़पेपर पहुंच जाए और वो एडवर्टीजमेंट भी देखें, और वो एडवर्टीजमेंट देख के, उनके एडवर्टीजमेंट से सबसे ज्यादा रिवेन्यू होती है, मोर देन द सर्कुलेशन दे अर्न फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट, सो दैट्स वाई दे सेल चीप, ठीक है, वो उतनी सस्ते दामों में आप लोगों को उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर्स के बारे में था, साइजेस ऑफ द न्यूज़पेपर के बारे में था, और थोड़ा सा एडवांटेज हमने देखा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स हमने बात किया, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, ओवरऑल न्यूज़पेपर्स के बारे में। अब लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स क्या होती है, न्यूज़पेपर्स इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब हम न्यूज़पेपर को हम इंडिया के अंदर अपने दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, कौन कौन सा कैटेगरी बांट सकते हैं, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और दूसरा लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, ठीक है, दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, इंग्लिश और लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आर जनरली पब्लिश्ड इन इंग्लिश, वी ऑलरेडी नो दैट इट कम्स फ्रॉम द वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही पता चलता है कि वो न्यूज़पेपर जो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होती है, ठीक है। वेयर लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स होता है वो इंडिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश होती है। वी ऑलरेडी नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्सिटी कंट्री, ठीक है, इतनी ज्यादा बोलचाल, इतनी ज्यादा पहनावा, इतने ज्यादा कल्चर है हमारे कंट्रीज में, सबसे बड़ी वो खूबी है हमारी कंट्री की। सो डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है, जैसे अपने अपने स्टेट की अपने अपनी उनकी पेपर भी है, न्यूज पेपर्स भी है, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा गुजराती न्यूज पेपर, बंगाली न्यूज पेपर, ठीक है, मलयालम न्यूज पेपर, तेलुगु न्यूज पेपर, तो ये सब क्या है, रीजनल बेस्ड न्यूज पेपर्स हैं, ठीक है। इसलिए हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक इंग्लिश न्यूज पेपर और दूसरा लैंग्वेज न्यूज पेपर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्या है, अनलाइक द इंग्लिश पेपर्स दीज आर अवेलेबल इवन इन द इंटीरियर विलेज ऑफ द कंट्री, ठीक है।
ये जो रीजनल बेस्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, रीजनल बेस्ड न्यूज़पेपर या लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स बोल बोलिए, ठीक है, जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये कंट्री के बहुत इंटीरियर विलेज में भी चीजें अवेलेबल होती है। डेफिनेटली आपके कुछ कुछ जो डिस्ट्रिक्ट से भी निकलता होगा न्यूज़पेपर्स, कुछ आपके गांव से भी वो अखबार निकलता होगा, लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होता है वो जनरली कहाँ से निकलता है, एक बड़े शहर से निकलता है, एक बड़े टाउन से निकलता है, ठीक है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं वो जनरली एक लोकल एरिया से भी निकलता है न्यूज़पेपर्स। एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है। एग्जाम्पल्स देखें लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स का, तो देखिए अभी तक जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर्स इन कंट्री, अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पुराना अखबार जो अब तक चला आ रहा है वो कौन सा न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर से मुंबई समाचार, ठीक है। मुंबई समाचार इज द ओनली न्यूज़पेपर व्हिच पब्लिश्ड इन गुजराती लैंग्वेज सिंस 1822 फ्रॉम द मुंबई, इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर्स इन आवर कंट्री, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करने की, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है, आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1822 में ये मुंबई समाचार पब्लिश हुआ था, और ये मुंबई से पब्लिश होती है, गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश होती है, और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, जो आज भी न्यूज़पेपर्स ये पब्लिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, या लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, इंडिया में लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन इंडिया लैंग्वेज पेपर्स आर पब्लिश्ड इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस, ठीक है, 100 लैंग्वेज से भी ज्यादा जो है जो न्यूज़पेपर जो है हमारे लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स हैं। लाइक अभी आपको बताया, जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको मुंबई समाचार बताया, वैसे समाचार दर्पण है, ठीक है। आप मलयालम की बातें कर लो वहां पे, तो मलयालम से वहां पे साउथ से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, लाइक दीपिका न्यूज, दीपिका नाम का न्यूज़पेपर है, ठीक है। फिर आप इधर से बंगाल से समाचार दर्पण बात करोगे, लोकसत्ता, लोकसत्ता है आपके यहाँ से भी, आपके हर स्टेट से न्यूज़पेपर पब्लिश होता होगा, दैट इज लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ठीक है। बहुत सारे जो है पंजाबी न्यूज़पेपर्स, ठीक है, पंजाब से जो पब्लिश होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अभी तक हमारे कंट्री में लगभग लगभग 100 लैंग्वेज से भी ज्यादा पब्लिश होती है हमारे न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर्स वेरी फ्रॉम इंग्लिश पेपर्स इन देयर स्टाइल, प्रेजेंटेशन एंड अप्रोच, ठीक है। जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स होते हैं वो जनरली अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर से कंपैरिजन करें दोनों का, तो दोनों के कंपैरिजन में एक चीज तो कॉमन वेरी होता है कि उनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत डिफरेंट होती है, उनकी जो न्यूज़ कवरेज का जो अप्रोचेस होता है बहुत डिफरेंट होता है, उनकी स्टाइल भी जो होती है बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप जनरली कंपेयर करना, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लेना और एक लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर लेना, कोई आपके लैंग्वेज में जो पब्लिश होती हो, ठीक है, और दोनों को कंपेरिजन करना, आप दोनों को बहुत डिफरेंट आपको लगेगा, ठीक है। आपके पेपर क्वालिटी में डिफरेंट नहीं कह रहे हैं हम, उनके स्टाइल में, प्रेजेंटेशन में, और जो न्यूज रिपोर्टिंग के जो अप्रोचेस है उन उनमें आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो हम डिफरेंस की अच्छे से बात करते हैं, जस्ट वेट, या डिफरेंट न्यूज पेपर, डिफरेंट बिटवीन इंग्लिश न्यूज पेपर्स एंड लैंग्वेज न्यूज पेपर्स, ठीक है। हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं इंग्लिश न्यूज पेपर्स और लैंग्वेज न्यूज पेपर्स में, ठीक है। इंग्लिश पेपर्स आर पब्लिश इन वन लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज में पब्लिश होता है जो कि इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश न्यूज पेपर पब्लिश इन वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश, वेयर एज लैंग्वेज पेपर्स आर पब्लिश इन डिफरेंट लैंग्वेज, वी ऑलरेडी वी हैव बीन डिस्कस, ठीक है, कि लैंग्वेज न्यूज पेपर्स बहुत सारे लैंग्वेज में पब्लिश होती है, सो दिस पॉइंट इज ऑलरेडी क्लियर। नंबर बी की बात करें, इंग्लिश पेपर्स आर मोस्टली कंसेंट्रेटेड इन बिग सिटीज एंड मेजर टाउन्स। हमने भी ये चीजें डिस्कस किया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है जनरली बड़े शहरों में और बड़े टाउन्स में जनरली इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का ज्यादा कंसंट्रेशन देखा जाता है, वहां पे ज्यादा लोग पढ़ते हैं, वहां से ज्यादा अखबारें इंग्लिश न्यूज़पेपर्स निकलती है। जबकि लैंग्वेज पेपर्स आर सर्कुलेटेड ऑल ओवर द कंट्री, जो लैंग्वेज जो पेपर्स हैं वो जनरली सभी कंट्री के हर एक कोने में से निकलती है, लाइक साउथ से अलग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, सॉरी रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स या लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स निकलेगी, पंजाब से अलग निकलेगा, गुजरात से अलग निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट से अलग अलग लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स निकलती है, ठीक है। नंबर सी, इंग्लिश न्यूज़पेपर स्कैटर मेनली टू द वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड हायर इनकम ग्रुप्स, ठीक है। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है जनरली किसको टारगेट करता है, इलिटरेट पर्सन को, वेल एजुकेटेड को, मिडिल क्लास को, अपर क्लास को, हायर हायर इनकम ग्रुप्स को। वेयर एज लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स क्या है, इट इज रीड बाय इवन लोअर मिडिल क्लास एंड इवन दोज बिलो दैट। लोअर मिडिल क्लास के लोग तो पढ़ते ही है, उससे भी नीचे तबके के लोग जो है लैंग्वेज न्यूज पेपर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नंबर डी,
इंग्लिश डेली हैव लेस पेनिट्रेशन इन द रूरल पब्लिक वेयर एज लैंग्वेज डेली हैव मोर पेनिट्रेशन इन द रूरल एरियाज. गांव की खबरें अगर देखा जाए तो इंग्लिश न्यूज़पेपर से बहुत कम मिलेगा आपको. दैट्स व्हाई हियर इट सेज लेस पेनिट्रेशन इन रूरल पब्लिक एरियाज. ठीक है, रूरल पब्लिक वेयर एज लैंग्वेज डेली हैव मोर पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज. तो गांव की खबरें, गांव के लोगों को उनके लिए खबर लेकर आना, डेवलपमेंट न्यूज लेकर आना बहुत कम आपको मिलेगा इंग्लिश में, जबकि यही चीजें आपको लैंग्वेज डेलीज में आपको मिलेगा. ठीक है, नंबर ई की बात करते हैं. तो इंग्लिश पेपर्स फॉलो द ब्रिटिश ट्रेडिशंस. ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स क्या फॉलो करती है, दैट ब्रिटिश एडिशंस को फॉलो करती है, वेयर द लैंग्वेज पेपर्स हैव इवॉल्व्ड देयर ओन स्टाइल एंड मेथड्स. ठीक है, लैंग्वेज पेपर्स का क्या है, मैंने बताया उनकी अपनी स्टाइल, अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी अप्रोचेस होती है. ठीक है, इफ मोर मनी इज जनरेटेड फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. बिल्कुल सही बात है कि एडवर्टीजमेंट जो है सबसे ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है एडवर्टीजमेंट से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर. एज दे सर्कुलेट अमंग्स पीपल विद द बेटर परचेसिंग पावर. ठीक है, क्योंकि उनके पास खरीदने का होता है. ठीक है, उनके पास पैसा है, अमीर लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, तो उनके पास पैसा है इसलिए वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वो खरीदते हैं. जनरली वो कॉस्ट भी हाई रखते हैं, सो इसलिए वो एडवर्टीजमेंट से भी ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर लिटरेट लोग पढ़ेंगे तो उसमें एडवर्टीजमेंट देखेंगे बीएमडब्ल्यू का. ठीक है, आपका बड़े बड़े कार, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की जो है एडवर्टीजमेंट रहती है, तो वो खरीदते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर उसको उनसे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है. वेयर एज लैंग्वेज पेपर्स डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स. कंपेरेटिवली इंग्लिश के जैसा एडवर्टीजमेंट्स उतना रेवेन्यू नहीं मिलता है लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को. ठीक है, जितना इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को मिलता है. तो इसका मतलब यही है कि एडवर्टीजमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंग्लिश में होता है, लैंग्वेज पेपर्स में बहुत कम होता है अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो. ठीक है, जी लास्ट पॉइंट, इंग्लिश पेपर्स आर मोर कलरफुल एंड फ्लैम्बोयंट. लैंग्वेज पेपर्स अडॉप्ट सिंपल स्टाइल. ठीक है, इंग्लिश न्यूज पेपर्स आप जनरली कलरफुल अट्रैक्टिव देखोगे, लैंग्वेज पेपर्स में थोड़ा सा सिंपल होता है, ज्यादा आपको कलरफुल नहीं मिलेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं मिलेगा, बट लोकल अप्रोचेस मिलेगी, उनकी अपनी स्टाइल होती है, उनकी अपनी मेथड होती है. ठीक है, ये था दीज वेयर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स. ठीक है.